हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते अपने जीएसटी के डिस्कशन को, और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। क्विक रिवीजन कर चुके हैं और हमने इसके 22nd नंबर तक, 22वें नंबर तक का एग्जाम्पल भी कवर कर लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स, और है हमारा मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 23। लिटिल मिलेनियम ए प्री स्कूल इन आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई हैज सब्सक्राइब्स दी ऑनलाइन जर्नल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। हमने पढ़ा था जर्नल के केस में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके केस में ही बस एग्जेम्पशन। अब यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट पे ऑनलाइन जर्नल सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। नाउ सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियडिकल प्रोवाइडेड इंटरनेट एलिया टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाई वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन आर नॉट एग्जम्प्ट। तो जर्नल के केस में प्री स्कूल और के लिए एग्जम्पशन नहीं है। एग्जाम्पल 24, SM ट्रांसपोर्टर्स हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्रॉम दियर रेजिडेंस टू स्कूल। SM ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्ट्स है, वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं एक स्कूल को, कि वो अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी को, टीचर्स को घर से स्कूल लेके जाते हैं और स्कूल से फिर घर छोड़ते हैं, ठीक है। टू पाथविल स्कूल्स को ना, वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो इस केस में देखा तो हमें एग्जम्पशन मिल जाती है, ये जो स्टाफ और फैकल्टी को जो भी देते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ प्रोवाइडेड इंटर एलिया टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन अप टू हायर एज। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्री स्कूल हो, उसमें अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन वाली ये सर्विस देते हैं स्कूल को, ताकि वो स्कूल अपने स्टूडेंट को, स्टाफ को दे सके कोई भी सर्विस, तो उसके लिए हमने देखे थे वो चार चार टाइप के सर्विसेज, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी था। तो वो एग्जाम्स है, हमने कैटरिंग की सर्विस देखी थी, सिक्योरिटी एजेंसी की सर्विस देखी थी, और अपना ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, एक और सर्विस है। तो ये सब इसमें एग्जाम्पशन है। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने लिखा है कि सर्विसेज बाय ऑफ एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट आर एग्जेम्प्ट। सॉरी, कोई आया है। नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 25, शिक्षा कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाई लॉ। शिक्षा कॉलेज एक डिग्री कोर्सेज ऑफर करते हैं जो कि रिकॉग्नाइज बाई लॉ है, ठीक है। टू कंडक्ट इट्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन नवंबर, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं नवंबर में। फॉर दिस पर्पज इट हैज़ पेड द ऑनरेरियम टू पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनेशंस, नॉट ऑन द रोल ऑफ शिक्षा कॉलेज फॉर दियर सर्विस। एक सेकेंड रोहन, गेट सटा दो, उधर नॉइज मत करना, उधर गेट सटा दो अभी। इट हैज पेड द ऑनरेरियम टू पेपर सेटर्स, उसने पेपर सेटर्स को ऑनरेरियम पे किया है एंड एग्जामिनर्स को, फॉर दियर सर्विसेज। फर्दर इट अवेल्ड द प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर, और उन्होंने फिर कुछ प्रिंटिंग सर्विसेज भी ली हैं जिसके लिए क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करना है, ताकि एग्जाम कंडक्ट कर पाए। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू एडमिशन, और ये सब हमने देखा था कि अगर एग्जामिनेशन के लिए कोई फी लिया जा रहा है, एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये सब एग्जेम्प्ट है। देयरफॉर सर्विसेज ऑफ पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनर्स एंड प्रिंटिंग सर्विसेज अवेल्ड बाई शिक्षा कॉलेज आर एग्जेम्प्ट, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 26, ज्ञानी पब्लिक स्कूल अ हायर सेकेंडरी स्कूल हैज हायर्ड सुविधा सर्विसेज लिमिटेड फॉर सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज।
इन द स्कूल, ये हमने सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग का भी देखा था कि अगर स्कूल्स प्री स्कूल के केस में, अगर ये सेकेंडरी हायर स्कूल के केस में हो तो ये एग्जेम्पशन है। तो नाउ सिक्योरिटी एंड हायर हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ इंटर एरिया हायर सेकेंडरी स्कूल आर एग्जेम्प्ट, देयरफॉर सेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सुविधा सर्विसेज लिमिटेड आर एग्जेम्प्ट। तो ये अगर सर्विसेज आप दे रहे हो स्कूल को तो एग्जेम्प्ट है। द स्कूल सब्सिक्वेंटली हायर सुविधा सर्विसेज लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज एट स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन। अब इनसे ही वो फिर से सर्विस ले रहे हैं, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विस की, स्कूल्स की एनुअल डे फंक्शंस करवा रहे हैं, एक ऑडिटोरियम में करा रहे हैं, वो भी स्कूल कैंपस से बाहर है, स्कूल के कैंपस से बाहर है। अब देखो सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेज एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज आउटसाइड द स्कूल कैंपस विल बी टैक्सेबल। मतलब स्कूल के बाहर कोई ऑडिटोरियम है वहां पे अगर करवा रहे हो कोई फंक्शन और उसके लिए अगर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज ले रहे हो तो उस पे एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है ना। तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विस वाले अपना टैक्स लगा के बिल लगाएंगे स्कूल को। अगर ये सब विद इन द प्रीमाइसेज हो रहा है, मतलब स्कूल के अंदर ये सब हो रहा होता तो ये एग्जेम्प्ट होता। ये टेक्निकल है, तो इसको एक दो बार आप सुनोगे ना ऐसे एग्जाम्पल्स को तो याद हो जाएगा। मैं तो जो सर हैं फाइनल के, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, उनकी 25 घंटे की वीडियो को, वे थ्योरी की वीडियो थी उनकी कॉस्टिंग के ऊपर, तो उस एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, राइट, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने 25 घंटे की थ्योरी की लेक्चर्स थे, मतलब उन्होंने शॉर्ट्स एक एक घंटे की वीडियो को फिर कंबाइंड भी कर दिया था, और फिर 18 घंटे के प्रैक्टिकल जिसमें सारा उन्होंने इंस्टीट्यूट की बुक को कवर किया था और इंस्टीट्यूट के सारे प्रैक्टिकल्स। तो मैंने उस 25 घंटे और 18 घंटे को, मुझे याद है, 5 से 6 बार मैंने सुना था या फिर लिखा था। तब जाके जब मैं एग्जाम में बैठा तो ऐसा लग रहा था कि सर की सारी वर्डिंग्स मुझे याद आ रही थी, जहाँ जहाँ वो बोलते थे कि ये ध्यान रखना, जिस प्रैक्टिकल में उन्होंने बताया था कि ये कॉमन मिस्टेक मत करना, तो एज इट इज वो रिकॉल हो रही थी। और फिर प्लस मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मॉक टेस्ट में भी रिटन प्रैक्टिस हो ही गई थी। देखो पढ़ने का तो तरीका यही है, मैं इसको ना मतलब ट्रू प्रिपरेशन बोलता हूँ। एक सच्चा जो प्रिपरेशन मिल होता है ना एग्जाम के लिए, जो आप करते हो भाई, सिर्फ आप लेक्चर सुन के और सिर्फ देख रहे हो किसी को लैपटॉप में, इससे काम नहीं होगा। आपने एक बार देखा, दो बार देखा, चीजें एक बार रिकॉल हो गई, फिर आपको अल्टीमेटली वो जो हाथों को दर्द देना होगा। एक टाइम ऐसा था कि मैं 3 घंटे पेपर लिखता था, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे पेपर लिखता, तो उस टाइम में मैं मोबाइल लेके भी नहीं जाता था मैं लाइब्रेरी। कुछ घर से अगर भाई लोग लेके आ गए जूस और तो पी लिया, अदरवाइज कोई बात नहीं, कोई इतने भी भूख नहीं लग रही है कि हम भूख से मर जाएंगे, है ना। तो जब 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, तो मैं कहता हूँ वो 8 घंटे बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करो, किसी और को दिखाने के लिए नहीं भाई, खुद में एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और याद रखना, जिस दिन आपको खुद से ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना कि आपने बेस्ट एफर्ट लगा दिए अपनी पढ़ाई में, तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप जब भी बोलते हो ना कि तैयारी कैसी है यार, बस चल रही है तैयारी, तैयारी तो हो ही रही है, या फिर एग्जाम देने के बाद 50-50% चांस रहता है, तो इसका मतलब है कि भाई तैयारी उस लेवल की हुई ही नहीं है। पढ़ाई तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई बिना पढ़े सीए के पेपर में बैठे या सीए के एग्जाम में बैठे, पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, मेहनत करने का तरीका क्या है ना। तो थोड़ा सा ऐसा मेहनत करो जो हम स्कूल लाइफ में किया करते थे, कि होमवर्क बना रहे हैं, बैठ रहे हैं डेली 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, फिर 6 3 4 घंटे होमवर्क भी बना रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा, अब जैसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाते हैं तो खुद को भाई ऐसा ट्रीट करने लग जाते हैं कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं या स्पेशल स्टडी चल रही है, बस कोचिंग्स के अंदर या कोचिंग्स के लिए भाग रहे होते हैं या कोचिंग्स के वीडियोस देख रहे होते हैं। तो वो जो पुराना तरीका है पढ़ने का वो मिस हो जाता है, जिसमें हम लिखते थे, होमवर्क बनाते थे, डायरी मेंटेन करते थे। मैं तो इवन अगर किसी दिन आधे घंटे ही पढ़ रहा हूँ तो वो भी मैं डायरी में लिखता था। मैं बार बार बोलता हूँ कि यार आप
पढ़ाई बाद में करना या करो या ना करो, लेकिन आप डायरी जरूर बनाओ। डायरी का पर्पस होना चाहिए कि इस डायरी में मुझे सिर्फ स्टडी रिपोर्ट ही लिखनी है। मतलब डायरी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक स्टूडेंट लाइफ में अगर बनाओ और लिखो तो बस उसमें आप ये लिखो कि मैं कितने बजे उठा, फिर उसके बाद मेरा टारगेट कितना है आज का पढ़ने का, जैसे कि 6 घंटे का है, 8 घंटे का। उसके बाद कि मैंने मॉर्निंग स्टडी कितने मिनट की, आफ्टरनून की स्टडी कितने मिनट की, इवनिंग में क्या किया, नाइट में कितने मिनट की स्टडी की, फिर डे एंड पे ऐड करो मिनट्स को, फिर उस मिनट्स को डिवाइड करो आप टारगेट मिनट्स से, फिर आ जाएगी परसेंटेज कि कितना परसेंट आपने अचीव किया। और उसके नीचे लिखो, अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो लिख दो आज का टारगेट पूरा हुआ या आज का टारगेट अचीव किया। और फिर दूसरी लाइन में लिखो, मुझे मई नवंबर या जो भी आपका टाइम है उसमें मुझे सीए इंटर को क्लियर करना है, या मैं इस अटेम्प्ट में सीए इंटर क्लियर कर रहा हूँ। जब आप ये अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन डेली अपनी डायरी में खुद से लिखते हो, दिमाग आपका एक्टिव होता है उस टाइम पे, तो आप ना एक दिन मेहनत नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, क्योंकि लिखना तो है डेली डायरी। आप एक दिन लिख दोगे 30 मिनट पढ़ाई हुई है, एक दूसरे दिन लिख दोगे 60 मिनट, तीसरे दिन लिख दोगे 50 मिनट, लेकिन ऐसे ऐसे करके देखना आप एक हफ्ते बाद या 10वें दिन से 12वें दिन से आपके अंदर खुद ही ये एक आ जाएगी बात, यार ऐसे तो भाई काम नहीं चलेगा। अगर सीए इंटर क्लियर करना है तो अगर मैंने लिखा है 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है, तो मुझे तो 100% अचीव करना ही पड़ेगा। और कितने दिन मैं लिखूंगा कि आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज का टारगेट, ये वो मेजरमेंट है आपकी परफॉर्मेंस का जो सिर्फ आपके लिए है, कोई आपसे सवाल जवाब करने नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, खुद को दिखाने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाई ऐसी करो कि भाई पेपर में भी बैठे तो मन में ये ना रहे कि वो भी पढ़ लेता, ये भी पढ़ लेता, वैसे भी पढ़ लेता, वो तैयारी कर लेता, है ना? चलो मैं तो बस वो तरीका ही बता सकता हूँ, और बस इन वीडियोस के थ्रू थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ कि क्विक रिवीजन हो जाए और अल्टीमेटली मेन मेहनत पे चले जाओ। मेरा मेन मेहनत कहने का मतलब है जहाँ पे आप लिखते हो, रिटन रिटन प्रैक्टिस को ही मैं एक सच्ची मेहनत कहता हूँ, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस में मसल्स मेमोरी बिल्ड होती है। दिमाग थोड़ा स्लो भी हो जाए लेकिन हाथ नहीं रुकना चाहिए, हाथ को प्रैक्टिस हो लिखने का, हाथ को पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं 10 बार लिख चुका हूँ, पहले 2 बार 3 बार मैंने खुद से लिखा है, फिर 1-2 बार मैंने टेस्ट में लिखा था, उसमें ये मिस्टेक हो गई थी। अब मैं टेस्ट देता तो कैसे देता था, पहले 1 बार टेस्ट देता था, 2 घंटे 3 घंटे का जो भी टेस्ट है, टेस्ट देने के बाद फिर रिजल्ट का वेट करता था, 1-2 दिन में फिर रिजल्ट आ जाता, फिर मैं देखता था अरे ये इतनी कम मार्क्स आ गए, इसमें ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई, फिर उसी टेस्ट को मैं एक्चुअली देख के बनाता था। तो एक टेस्ट को एक बार 100% दिमाग अप्लाई किया, फिर दूसरी बार एनालिसिस किया, और फिर तीसरी बार खुद से लिखा, तो एक टेस्ट को 3 बार लिख दिया। अगर मैंने 30 टेस्ट दिए, इसका मतलब 90 टेस्ट कवरेज हो गई, 90 टाइम्स हो गई, है ना? तो ये थोड़ा सा है वो गधे वाली मेहनत जैसा, ऐसा सुनने में लग रहा है कि ये तो स्मार्ट स्टडी नहीं है क्योंकि इसमें तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बोलूं कि इससे जो मेहनत ज़्यादा वाले जो तैयारी होती है ना, उसमें आप जो पेपर के बाद आते हो तो कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। और कई बार तो ऐसा भी लगता है मुझे कि जब आप ईमानदारी से किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो और पूरी ईमानदारी से, तो वो ऊपर वाला भी साथ देता है, चाहे पेपर कैसा भी आया हो, टफ आया हो, ईजी आया हो, है ना? चलो सर बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो, बट मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि यार आप लोग जल्दी से क्लियर करो, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की। इंस्टीट्यूट में भी गया था कुछ ट्रेनिंग सेशंस में भी, तो वहाँ भी देख रहा हूँ कि बच्चे डिमोटिवेट हुए पड़े हैं। भाई डिमोटिवेशन कैसे हो सकती है यार, जब भी आप डिमोटिवेट होने लग जाओ ना, तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखना, जो कि उम्मीद भरी उनकी नज़रों में होती है, चाहे वो बोले या ना बोले कि मेरा बेटा पास हो जाएगा, मेरा बेटा सीए बन जाएगा, या जो भी तैयारी कर रहा हो, जिस फील्ड की भी तैयारी कर रहा हो, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स को होती है, इसीलिए वो हमें सबसे ज़्यादा डांट भी लगाते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन हम उनकी डांट का नेगेटिव ले लेते हैं कि क्यों यार पीछे पड़े रहते हैं,
तो ठीक है भाई, उनकी इच्छा पूरी कर दो ना एक बार, उसके बाद कर लेना अपनी इच्छा पूरी भी। बट आजकल की थ्योरी भी ऐसी है ना कि भाई अपने लिए करना है, अपने लिए जीना है, ये वो नॉनसेंस सारी चीज़ें। भाई एक बार अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने हमें चलना बोलना खड़ा होना सिखाया, इतनी दिमाग को इतना पावर दिया कि हम सही गलत की पहचान कर सकें, तो एक बार उनकी ही खातिर सब कुछ कर देते हैं, मेहनत कर लेते हैं। अगर 2 साल 3 साल की पढ़ाई करनी है तो कर लो ईमानदारी से, उसके बाद जी लेना अपने हिसाब से। चलो, इलस्ट्रेशन 1, गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर ए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर है जो कि एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज में देखना है कि वो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये सब सर्विसेज दे रहे हैं। फर्स्ट, रीकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स। सेकेंड, प्लास्टिक सर्जरी। वन सच सर्जरी वॉज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी की सर्जरी हो रही है, प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है उनके। नाउ, एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशन टू द मेडिकल सेंटर। एयर एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं ताकि क्रिटिकली जो बहुत ही मेजर बीमार है कोई पेशेंट, उसको बहुत दूर से लाना है मेडिकल सेंटर पे, तो उसको एयर एम्बुलेंस हो सकता है, मतलब तो जो हवाई जहाज में एम्बुलेंस सर्विस है ना। फॉर पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स। टर्मिनली मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति में कोई पेशेंट है, उसको पैलिएटिव केयर दिया जा रहा है। ऑन रिक्वेस्ट सच केयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स एट दियर होम। और वही सारी जो केयर है वो उनके घर पे भी दी जा रही है। अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाई वे ऑफ योगा। योगा के थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर ऑल्सो ऑपरेट्स अ कोर ब्लड बैंक विच प्रोवाइड सर्विसेज टू रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स या कोर ब्लड बैंक के लिए, जहाँ पे कि जन्म के टाइम पे जो बच्चे का ब्लड होता है, मदर का ब्लड होता है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसी को बोलते हैं स्टेम सेल्स, जिसको कोर ब्लड बैंक बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड बैंक से अलग होता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर इज ऑफ द व्यू दैट सिंस इट इज अ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑल द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इट एज वेल एज ऑल द टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इफ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। अब ये बताइए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की क्या ये सारी के सारी सर्विसेज जो ऊपर दी गई हैं वो एग्जेम्प्ट है। तो पहला, जो रीकी हीलिंग है वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, इसलिए इस पे एग्जेम्प्शन नहीं है। सेकेंड, प्लास्टिक सर्जरी पे तो एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन बच्चे की जान बचाने के लिए, फिर उसके बहुत सारा ऐसा हो गया है जिसकी वजह से जरूरी है उसको, जैसे कोई बंदा कहे कि भाई मेरा फेस अच्छा नहीं है, मैं प्लास्टिक सर्जरी कराने जा रहा हूँ, तो उनके लिए एग्जम्पशन नहीं है। यहाँ पे बच्चे की जान पे बात थी, इसीलिए जो नेसेसिटी है उनकी लाइफ के लिए, तो वहाँ पे एग्जम्पशन है। थर्ड में देखो, जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, है ना, एयर वाला था ना, है एयर एम्बुलेंस सर्विस, वो एग्जेम्प्ट है। और फोर्थ, जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, इलनेस है, इंजरी है, प्रेगनेंसी रिकॉग्नाइज मेडिसिन इंडिया जिसको बोला गया है, जो हम देख रहे थे ना टर्मिनली इल पेशेंट के केस में जो सर्विसेज है वो भी एग्जेम्प्ट है। और लास्ट है योगा, क्योंकि तो योगा तो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ही, इसलिए इस पर एग्जेम्प्शन है, तो एग्जेम्प्ट है ये वाला भी। तो एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में जब आप एग्जेम्प्ट नॉट एग्जेम्प्ट लिख रहे हो, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी एक बार उतारना और बताना कि ये वाले केस में ये एग्जेम्पशन है, सिर्फ एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट मत लिखना या टैक्सेबल लिख के मत आना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 28, पेज नंबर 55। द कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन बैंगलोर रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस बैंगलोर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन एंड अराउंड द क्रिकेट स्टेडियम फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच हो रहा है क्रिकेट स्टेडियम में, तो उन्होंने बोला कि पुलिस कमिश्नर को, बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर को, कि भैया हमारे यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करो,
कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने बोला। नाउ द कमिश्नर ऑफ पुलिस अरेंजेस द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन। कमिश्नर ऑफ पुलिस अरेंज तो करवा देगी सिक्योरिटी, लेकिन उसके बदले वो पैसा भी लगे। इन दिस केस सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बाय द पुलिस पर्सनल आर नॉट एग्जेम्प्ट। इस केस में जो सर्विसेज दे रहे हैं पुलिस वाले वो एग्जेम्प्ट नहीं है। एज द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन इज लाइबल टू पे द टैक्स ऑन द कंसिडरेशन पेड अल्बेट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें जो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन है वो लाइबल है टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें यह कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सरकार उससे टैक्स कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं देगी, क्रिकेट एसोसिएशन खुद ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कैलकुलेट करके जमा कर देगी। पेज नंबर 56, एग्जाम्पल नंबर 29, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मेसर्स एबीसी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कर्नाटका के, उन्होंने एक एग्रीमेंट में एंट्री ली है मेसर्स एबीसी से, के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर एन एग्रीड कंसिडर। भैया हमारे लिए ऑफिस बना के दो, कंसिडरेशन भी डिसाइड कर लिए। नाउ इन द एग्रीमेंट डेटेड 10th of July इट वॉज एग्रीड बाई both the parties that Messrs. ABC shall complete the construction work and hand over the project on or before 31st December. 10 जुलाई को कॉन्टैक्ट कर लिया और बता दिया डील एग्रीमेंट में कि 31 दिसंबर से पहले पहले पूरा करके दे दोगे। Now it was further agreed that any breach of the terms of the contract by either party would give right to another to other party to claim for damage or penalty. अगर कुछ भी एग्रीमेंट में गड़बड़ी हुई या फॉलो नहीं किया गया उसके लिए क्लेम और डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं, कोई भी पार्टी कर सकती है। नाउ मेसर्स एबीसी डिड नॉट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन एंड डिड नॉट हैंड ओवर द प्रोजेक्ट बाय द स्पेसिफाइड डेट। अब वो जो मेसर्स एबीसी है उसने कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया है और प्रोजेक्ट को हैंड ओवर भी नहीं किया 31 दिसंबर से पहले पहले। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट द डिपार्टमेंट आस्क्ड फॉर डैमेज पेनल्टी। अब डिपार्टमेंट जो है वो डैमेज और पेनल्टी की बात कर रहा है क्योंकि उसने पूरा करके नहीं दिया 31 दिसंबर से पहले पहले। रिजेंटेंटली एबीसी पेड एन अमाउंट ऑफ 10 लाख, तो एबीसी ने उसको 10 लाख रुपए दिए हैं डिपार्टमेंट को फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया इसके लिए 10 लाख रुपए की पेनल्टी। नाउ अमाउंट पेड बाय मेसर्स एबीसी डिपार्टमेंट, जो एबीसी ने जो डिपार्टमेंट को पे किया है वो पैसा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेम एज इट इज केसेस आते हैं एग्जाम में भी, अगर आप पढ़ के रहोगे दो तीन बार, लिखा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो चीजें रिकॉल हो जाएगी। नाउ एग्जाम्पल 30, ऋतुराज हैज बुक्ड एयर टिकट्स इन इकोनॉमी क्लास ऑफ ए फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी। दिल्ली से गुवाहाटी के लिए ऋतुराज ने टिकट बुक किया है, वो भी एयर टिकट किया है। गुवाहाटी असम, क्या असम वो एरिया है जहाँ पे, जहाँ के लिए अगर आप ट्रैवल करते हो तो एग्जिबिशन मिल जाएगी, है ना, कुछ ऐसे एरिया बागडोगरा असम त्रिपुरा मेघालय करके जहाँ पे ये सब एग्जिबिशन मिल जाती है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर टर्मिनेटिंग इन ऐसा डेस्टिनेशन जो कि इन राज्यों में आता है, तो उसके लिए अगर आप कोई जा रहे हो तो उस पर जो टिकट का जो प्राइस होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखो असम के केस में एग्जिबिशन है, अगर आप एग्जेम्पशन असम जा रहे हो तो आप अगर वहां की टिकट लोगे तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 31, सुब्रोतो हैज हायर्ड अ नॉन एयर कंडीशन बस फ्रॉम मोहित ट्रेवल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ रिक्रिएशनल टूर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। सुब्रोतो ने एक नॉन एसी बस हायर किया है मोहित ट्रेवल्स से, एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर के लिए। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय अ नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं पैसेंजर्स नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्शन है। हाउएवर सेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स फॉर टूरिंग पर्पसेज एक्सक्लूडेड देयर फ्रॉम, और ये ऐसे पैसेंजर जो होते हैं टूरिज्म पर्पस से, मतलब टूरिज्म वैसे तो नॉन एसी से अगर कैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से अगर ट्रैवल करते हो तो एग्जेम्पशन है, लेकिन अगर टूरिज्म पर्पस से तो उस पर एग्जेम्पशन नहीं है। देयरफॉर इन द गिवन केसेस, क्योंकि ये टूरिज्म पर्पस के लिए लिया हुआ है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर टैक्सेबल। तो इस तरीके से हमने 31 मतलब 31 एग्जाम्पल्स तक कवर कर लिया है, पेज नंबर 61 तक कवर कर लिया है। आई थिंक आगे के एग्जाम्पल्स हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।